पांच दिन से लाइट नहीं आ रही है, पूरी दुनिया लाइट को लेकर परेशान है, इनको ठंडा पी। कैंसर से आप मरे जा रहे थे, अगर जो बनारस आके मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवाता तो मर जाते खांसी के द्वारा। अरे भाई ये तो मेरा काशी निकला रे। अरे काशी कहाँ था तू, इधर आ। काशी कहाँ था काशी? अबे अरे क्या है? अबे चरखी वाले साले, देखिए अपन का परिवार यहाँ से रस पी कर गया है। अरे साला तू होगा, तेरा परिवार होगा। अरे नाना को ना सुनने की आदत नहीं है। तुमने बर्फ गेर के नहीं दिया, मैं कह रहे थे कि तुमने गरम जूस पिलाया उनको। अरे कहाँ से बर्फ गेरूंगा, पांच दिन से लाइट नहीं आ रही है, पूरी दुनिया लाइट को लेकर परेशान है, इनको ठंडा पीना है। अरे कहाँ से लाऊं ठंडा करके? अरे पहले तो ये दिखा के, मैं कह रहे थे गरम जूस पिला, तुमने गैस सिलेंडर कहाँ पर रख रखा? अरे सिलेंडर नहीं है, दिमाग के अंधे इधर देख, ये कितना ठंड, ये पानी पिलाया जाता है और तेरे जैसे नशेड़ी आते रहते हैं। ये जो तू मिथुन की आवाज बना रहा है, ऐसी आवाज है बहुत बना सकता है पोल। अरे मैंने दुनिया में देखे है कि जितने भी जूस पिलाने वाले इंसान है सब नींबू गैर कर देते हैं, लेकिन तो साला मौसमी गैर कर देता है, तुम्हारा कौन सा एक्शन है? अरे ये दिल्ली का मौसमी नहीं है, ये अपने यूपी का पुदीना है, देख ये तुझे सच्चाई दिखेगी इसमें, भूखा भी नंगा भी। अगर जो तूने पब्लिक को आज के बाद ठंडा जूस नहीं पिलाया तो मैं तुझे चक्कू से इस तरीके से छोड़ दूंगा जैसे गोभी और आलू को काट देते हैं लोग। आओ बेटा साईं, लगता है इस इलाके में नए आए हो, प्राण जब भी आता है तो प्राण लेकर जाता है, लेकिन आज प्राण पहली बार आप लोगों के लिए गन्ना लेकर आया है और आज इसी गन्ने से तुम्हारे सर पे वार करूंगा, समझे या नहीं? अब सरावर साहब, अब चरखी को लेकर मेरी भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जो आज के बाद तूने पब्लिक को ठंडा जूस नहीं पिलाया और गरम पिलाया तो मैं तुझे चरखी में गन्ने की तरह पीस कर रख दूंगा। अरे बाबूजी, मेरे बाबूजी कहा करते थे कि जो जो अपने से बड़े होते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, आज उसी मर्यादा को रखकर मैं तुम्हें इस गन्ने से नहीं मार रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो 500 गन्ना मारूंगा और गन्ना गिनूंगा एक और होश तुम्हारे ठिकाने आ जाएंगे। क्या यहाँ से दूर चले जाओ। ये बात है तुम देख सकते हैं बाबूजी, मैं नहीं। एक इंसान अगर जो पब्लिक को गर्म जूस पिलाएगा तो क्या रखा है यहाँ पर? ग्राहक जितने होते हैं भगवान का रूप होते हैं, तुम्हारी दुकान पर आके रस पीते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप उन्हें गर्म जूस पिलाएंगे। अच्छा नहीं करते आप लोग, मार दूंगा तुझे मैं। गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते, तू कुत्ता है, कुत्ते का पिल्ला है, तेरे बाप को कुत्ता बनाया था, काशी तुझे भी कुत्ता बनाऊंगा, समझा? अरे वो मेरा बाप तो जिसे आप लोगों ने कुत्ता बनाया है, एक बार शेर को कुत्ता बनाकर देखो, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे भाई, अरे इसको मेरे नजरों से दूर लेकर चले जाओ, ये इंसान तो मुझे कोई बहरूपिया लगता है, आवाज बना बना कर मुझे बेवकूफ बना रहा है तू, मेरी नजरों से दूर चला जा। बाबू जी सारी बात आप बकवास कर रहे हैं, घातक पिक्चर में आपने मेरा बाप का रोल किया है, इसका मतलब नहीं कि मैं आपसे दुश्मनी करता हूँ, आप मेरे बाप हैं, कैंसर से आप मरे जा रहे थे, अगर जो बनारस आके मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवाता तो मर जाते खांसी के द्वारा। अरे भाई ये तो मेरा काशी निकला रे। अरे काशी कहाँ था तू, इधर आ। काशी कहाँ था काशी? आप मुझसे प्यार कर रहे हैं, यहाँ पर सब पब्लिक को दिखा रहे हैं आप मेरे हो, लेकिन बाबूजी मेरा बाल फाड़ कर जाहिर कर रहे हैं, मुझसे दुश्मनी कर रहे हो। अरे हमारा गोला पे तो कोई भाषा नहीं होता। अरे सब साला माइंड से बतवाता है, अरे तोरा गोला पे तो बहुत कंफ्यूजन है, साला एक एक शब्द के चार चार मतबल, ऐसे मुंडी ला के बोलो मतबल ठीक ठाक, वेरी गुड वेरी गुड, तेरी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया और लंबा वाला अच्छा, अरे ट्रकवा वाला बीच में आके साला मजा किरकिरा करता है। लेकिन तुम लोगों ने एक काम जरूर किया है हिंदुस्तान के अंदर आकर, अरे पहले साला गिलास इतना लंबा हुआ करता था 10 रुपए का, लेकिन साला पैसा बढ़ता जा रहा है और गिलास छोटा होता जा रहा है सोनी भाई, साला परेशान हो गया अपन। अरे क्या करूं चाचा, अगर गिलास छोटा होता जा रहा है तो 1000 का नोट भी तो बंद होता जा रहा है, अरे इस गरीबी के माहौल में क्या करेगा? अरे ये कोई दारू, हाँ बोल ले तू, पहले कर ले। जब मैंने पहले इस मशीन को देखा तो मैं सोचता था कि घास काटनी मशीन है, लेकिन जब मैंने इसमें मौसमी और गन्ने को एक साथ पीसते हुए देखा तो मैंने सोचा ये तो कोई और औजार हिंदुस्तान वालों ने बना दिया। अरे देवा ये कोई फिल्म नहीं है, ये छोटी सी वीडियो नॉरल और जूस पानी पीने के लिए आता, मैं अपने छोटा छोटा बच्चों को भी लेकर आएगा, अगर देवा रे देवा वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर देना। आइए दोस्तों, मैं आशु बच्चन, देखिए आप लोगों ने देखा होगा
और हमारे YouTube पे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, सबको थैंक्स करते हैं। और सिराज आशु बच्चन के नाम से हमारा चैनल है, क्योंकि ये भाई सिराज और मैं आशु बच्चन। वीडियो अगर जो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना और देख इतनी वायरल कर देना कि जो बेचारे रस बेचते हैं इनकी भी वैल्यू और इनकी इज्जत हो जाए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। आओ आज का रामा रामा।